सुचिस्मिता, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है रस। आज हम बनाने वाले हैं शाही फूल गोभी। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। हमें चाहिए फूल गोभी के ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए फूल गोभी। हमें चाहिए काजू, 60 से 8 काजू, डिपेंड करता है अगेन आप कितना फूल गोभी कितना सब्जी आप बना रहे हो। हमें चाहिए क्रीम, फ्रेश क्रीम मैंने यहाँ पे लिया है। प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता। हमें चाहिए 2 तेज पत्ते और 1 या 2 सूखी मिर्ची। हमें चाहिए जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए। अभी हम कढ़ाई गरम करने के लिए दे देते हैं। कढ़ाई गरम हो गई है, अभी हम इसमें तेल डाल देते हैं। 3 से 4 चम्मच तेल डाल दिया हमने। पूरे कढ़ाई में फैला लेते हैं तेल को। अभी ये गरम हो जाए तो हम इसमें फूल गोभी डाल देंगे। तेल गरम हो गया है, हम इसमें नमक डाल देना है। नमक बाद में ग्रेवी में भी जाएगा तो उसे साथ से आपको डालना है। 3 से 4 मिनट लगेगा इसको पकने में। ढक के हम इसको रख देते हैं। ढक दिया इसको। 3 से 4 मिनट बाद हम इसको देखेंगे और मिडिल में आप एक बार इसको टर्न भी कर सकते हैं खोल के। 2 मिनट हो गया है, हम इसको टर्न कर देते हैं। कलर आ गया है और इसको हम स्टीम कम करके अभी रख देंगे। इसको हमें अच्छा फ्राई करना है। देख लेते हैं हम इसको। अच्छा हो गया है, हम इसको करके देख लेंगे। हो गया है ये हमारा। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। हम इसमें कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और इसमें जीरा डाल देते हैं। इसमें तेज पत्ता और सूखी मिर्ची डाल दी है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें टमाटर और प्याज डाल देंगे। और इसको फ्राई कर लेते हैं। इसे हम काजू बादाम भी दे देते हैं। अच्छा इसको मिक्स कर लेते हैं। मैंने फुल फ्लेम हाई नहीं रखा है। इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे हिला लेते हैं और इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। फूल गोभी के लिए हमने नमक डाला था। हल्दी डाल देते हैं थोड़ा सा। मिर्ची पाउडर, तीखा वाला मिर्ची पाउडर नहीं है, सिर्फ कलर के लिए दिया है। जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसमें मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही हम मिलाते रहेंगे और फिर इसका एक थिक पेस्ट बनाएंगे हम। इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता अभी ऐड कर देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं और ये ठंडा होने के बाद हम जार में इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको फाइन पेस्ट कर लेंगे, थिक वाला। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसको, थोड़ा सा पानी डाल के इसको
पेस्ट बना लेना है। हो गया ये हमारा, अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। पहले अदरक लहसुन नहीं डाला है, अभी हम इसमें अदरक और लहसुन डाल देते हैं, क्योंकि हमें इसका जो स्वाद है अच्छा लास्ट में डालेंगे तो अच्छा इसका स्वाद आएगा। तो वैसे हम इसे एक से एक मिनट तक इसे कर लेते हैं, मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको हम पेस्ट बना लेंगे। एक मिनट हमारा हो गया है। हमने अदरक और लहसुन इसलिए लास्ट में डाला है जिससे कि इसका स्वाद अच्छा आ जाए। गैस बंद कर लेते हैं। सेम पैन में हमें थोड़ा सा तेल डाल देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक टेबलस्पून तेल डाल देना है और जो हमने ग्रेवी बनाया है इसका अच्छा देखिए इसका कंसिस्टेंसी एकदम थिक कंसिस्टेंसी इसका बनाया है, ये हमें डाल देना है। इनको आप थोड़ा सा लो करके रखिए। ये हमने डाल दिया, इसमें ही थोड़ा सा पानी लेके हम इसमें डाल देंगे। ये काफी थिक है, हम अभी स्टीम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और अच्छे से जार को जार में पानी डाल के इसको हम बना लेते हैं। इसमें डाल देंगे इसका नमक जो है ये टेस्ट कर लीजिएगा और फिर हम इसमें जो हमारा फूल गोभी है वो डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने और स्टीम को अभी हम कम करके इसको ढक के रख देंगे कि अच्छे से मसाला इसमें ऐड हो जाए और इसके अंदर अंदर चला जाए फूल गोभी के। देखिए अच्छा इसका कलर आ गया है और हम इसको ढक के रख देते हैं 2 मिनट। मिडिल में आप एक बार इसको टर्न भी कर सकते हैं। इसमें हम धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं पेस्ट करने के टाइम पे। अगर आप धनिया पत्ता ऐड करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी हम इसमें जैसा कि ये हमारा नाम है शाही फूल गोभी, तो इसमें हम फ्रेश क्रीम ऐड कर देते हैं तो उसका कलर और अच्छा आ जाएगा। देखिए बहुत उसका रिच कंसिस्टेंसी हुआ है और इसका जो कलर है ये भी बहुत खूबसूरत आया है। सर्व करने के लिए ये बिल्कुल तैयार है, हम इसको सर्व कर लेते हैं। हमारा शाही फूल गोभी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसा बना आपका, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को। मैं सचिस्मिता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी वेरी मच।